मैंने बहुत अच्छा लगता कि मैं आपको घोड़ा दौड़ाते हुए देखता और आपको जीतते हुए देखता। जैसे पापा जी ही जीते हो। वीरा, चलो चलो प्रतियोगिता देखते हैं पूरी। आप इन बच्चों के साथ यहीं रुकिए, मैं जरा बात करके आता हूं। सत श्री अकाल पाजी, मेरा नाम निहाल सिंह है, पीतमपुरा से हूँ मैं। और मैं भी घोड़ों की दौड़ में हिस्सा ले रहा हूँ। उपरा जी, बात यह है कि किसी वजह से मेरा घोड़ा यहाँ आ नहीं पाया। मुझे आपसे पूछना था कि आपके पास दूसरा घोड़ा है क्या? ओ भाई, कैसा घोड़ सवार है तू हैं? जो बिना घोड़े के ही घोड़ दौड़ में भाग लेने के लिए चला आया। ये कोई सामान नहीं है कि मेरे पास ज्यादा है तुझे निकाल कर दे दूं। मेरे भाई, यहाँ लोग घोड़े दौड़ाने आते हैं, बच्चों को घोड़े पर बिठाकर सैर कराने नहीं। इस धमाकेदार हंगामे के बाद अब बहुत जल्द जिनानियों की मटका रेस शुरू होने वाली है। जिन जिन जिनानियों ने मटका रेस में अपना नाम दिया है वो मैदान विच आ जाएं। और अब आपके सामने पेश है कला और संतुलन का अनोखा संगम। सर पे मटका रखे ये जिनानियां दिखाएंगी कि जरूरत पड़ने पर ये अपने घर के लिए पानी कितनी तेजी के साथ ला सकती हैं। इस साल हमारे पिंड की ओर से प्रतियोगिता में भाग लेने निहाल सिंह जी जाएंगे। अब तो रब से बस यही दुआ है कि हमारे पिंड की ट्रॉफी इस साल पिंड में ही वापस आ जाए। अब निहाल चाचू भी पापा जी की तरह बर्तन जीत के लाएंगे, है ना निहाल चाचू? ये हम लोग निहाल चाचू को घोड़े पे देखेंगे। ये
अपने अपने नाम बताओ। रेशमा, वीरा, सिमरन, नीता, हेतवी। मैं भी दौड़ूंगा, मत कर इस पे। मेरा नाम प्रशांत है। ठीक है, चलो सब लोग तैयार हो जाओ। चाची तो पीछे रह गई। वीरा, कम्मू चाची तीसरे नंबर पर आई है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ये कम्मू चाची जीत गई, कम्मू चाची जीत गई। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। और गुड़ दौड़ में जिन जिन लोगों ने अपना नाम लिखाया सी, उन्होंने बेनती है कि वो एक बार फिर अपना नाम पक्का कर लें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका नाम पक्की सूची में शामिल नहीं होएगा, जिससे वो घुड़सवारी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। नाम कटवा गया था मुझे। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल।
राजी, मैं पीतमपुरा से आया हूँ। घुड़दौड़ में हिस्सा लेने वाला था, पर अब अपना नाम कटवाना चाहता हूँ। नाम की जी तोड़ा? जी निहाल सिंह। निहाल सिंह जी, आप जरा चलिए मेरे साथ। रणवीर, वीरा आओ। अजी मैं आता हूँ थोड़ी देर। अच्छा ठीक। निहाल सिंह जी, जी अब आपको इस घुड़दौड़ में भाग लेने से कोई नहीं रोक सकता। हीर 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 हीर, शांत हो जा, 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 शांत हो जा। हीर, सरपंच जी की घोड़ी आपके वास्ते। आज तक आपने प्रीतमपुरा के वास्ते जो कुछ भी किया, खास करके हमारे वास्ते, उसके बाद हम आपको हताश होता कैसे देख सकते थे? आज भी आप जो करने जा रहे हो वो प्रीतमपुरा के मान सम्मान के वास्ते करने जा रहे हो। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जैसे ही रतन परजाई को गगन के अस्तबल में आग लगने का पता चला, इन्होंने मुझे फोन किया और मैं फटाफट अपने प्रीतमपुरा की शान को टेम्पो में डाल के यहां ले आया। उनके जाने के बाद आज तक कोई हीर पर सवार नहीं हो पाया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हीर नु अपना सवार मिला है, जो प्रीतमपुरा के मान सम्मान की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर हीर की सवारी करने के लिए असली हकदार बन गया है। पर मैंने जो हीर के बारे में सुना है वो सही नहीं है। हीर कोई अड़ियल घोड़ी नहीं है। हाँ, वो अपने मालिक नु भूल नहीं पाई है। सरपंच जी के साथ एक रिश्ता सा बन गया था इसका, इसलिए रणवी के अलावा कोई इस पर सवारी नहीं हो पाया। पर ये वो घोड़ी है जिसने प्रीतमपुरा के मान सम्मान को बढ़ाने के वास्ते सरपंच जी की बहुत मदद की है।
वीर निहाल सिंह जी का साथ देना। जिस तरह तू हमेशा मेरे सरपंच जी का साथ देती थी, हाँ, ठीक। आप हीर की सवारी करेंगे ना? हाँ जी, क्यों नहीं, मेरा तो सौभाग्य होगा। निहाल सिंह जी, आपने हम प्रीतमपुरा वालों में एक बार फिर उम्मीद जगाई है। आज तो फट्टे चक देने हैं आपने, वो प्रीतमपुरा का नाम उच्चा कर देना आपने। हम सब पिंड वालों की दुआएं आपके साथ हैं, और नाले हीर जैसी घोड़ी का भी आपको साथ है। आप लोग इतने रुको, मैं जरा नाम पक्का करा के आता हूं। रब जी, प्रीतमपुरा दे वास्ते और इस नेक बंदे दे वास्ते मेरी अरदास सुन लीजिए। ऐ खाली न जाए। 5 साल पहले तक सरपंच जी के हाथों बड़ा नाम था इस मैदान में प्रीतमपुरा का। कुछ ऐसा ही कर दीजिए आज कि सरपंच जी के पिंड की लाज रह जाए। हाँ, तो इसके बाद ट्रैक्टर रेस होगी और उसके बाद घुड़दौड़ होनी है। और कुछ पूछना है तुम्हें? ठीक है, ठीक है। टीवी ले लो। सत श्री अकाल प्राजी। सत श्री अकाल प्राजी, मेरा नाम निहाल सिंह है। हाँ हाँ, निहाल सिंह जी, अभी आप आए थे तो काट दे आपका नाम घोड़े की रेस से। नहीं नहीं प्राजी, नाम कटवाना नहीं है, नाम पक्का करवाना है। मैं घुड़दौड़ में हिस्सा ले रहा हूँ। और ठीक है जी, अच्छी बात है। ये तो निहाल सिंह, बहुत तेज बढ़ रही है, लगता है गर्मी तेरे सर पर चढ़ गई। और तू इतना तो जानता है ना कि घुड़दौड़ के लिए एक घोड़े की जरूरत पड़ती है। अब तू तो घोड़ा है नहीं, तो फिर दौड़ेगा कैसे? बख्तावर दौड़ हौसले की है, और मैं हौसला हारने वालों में से नहीं हूं। देख, हर दौड़ के नियम होते हैं। तेरे हौसले के 4 पैर एक पूंछ तो है नहीं, और बगैर घोड़े के कैसे दौड़ेगा? दुनिया में गगन के पास ही सिर्फ घोड़ी नहीं है, और भी लोग रखते हैं। और निहाल सिंह, मैं जानता हूं कि दुनिया रखती है, और इतनी जल्दी नई घोड़ी लाएगा कहां से? नहीं, क्यों, कुछ पे तो पुरानी भारी पड़ेगी। रतन जी ने संपूर्ण की घोड़ी हीर मंगवाई है मेरे लिए, उसी के साथ दौड़ में हिस्सा लूंगा। मुझे दौड़ में हिस्सा लेने से रोकना चाहता था ना तू? तेरा ये अरमान तो गया उस कुएं में जहां तुझे भी जाना चाहिए। अब आगे देख, दौड़ में हिस्सा लूंगा और जीतूंगा भी। उसके बाद चुल्लू लेना, उसमें पानी भरना और अपनी नाक डुबो लेना, जिससे दुनिया को कम से कम ये तो पता चले कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरना क्या होता है। कौन जीतेगा, कौन चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा, ये तो वक्त ही बताएगा निहाल सिंह। Thank you.
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।